हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं दुर्ग। क्यों जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर जा रही है अकेले अकेले गुजरात। तो हम उन्हें छोड़ने दुर्ग जा रहे हैं, फिर दुर्ग से मम्मी की ट्रेन है, फिर वो गुजरात जा रही है मम्मी। तो अब उनको छोड़ने जा रहे हैं हम, तो चलो चलते हैं, देखते मम्मी की पैकिंग हुई है कि नहीं। और यहाँ हमारा दाउड़ी देखो, वो देखो घूम रहा है। दाउड़ी दाउड़ी ये जा रहा है, ये भी छोड़ने जा रहा है क्या मम्मी को? हाँ दाऊ मामा। हाँ यहाँ पर दाउड़ी मम्मी से मिल रहा है, इसको बिंदी बिंदी लगा के लड़की बना दी है। मम्मी अब जा रही है, अब 10 दिन बाद मिलेंगे मम्मी से, अब नानी से टाटा कर दो नानी को। मम्मी को नहीं, नानी को टाटा करो। अरे मम्मी को नहीं, देखो मम्मी के पास जा भी नहीं रहा। बुम बुम में जाऊंगा, जाओ ले लो ले लो। कहाँ आएंगे? टाटा बाय बाय। और हम चले दुर्ग, उसके बाद फिर स्टेशन। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर मम्मी को छोड़ने के लिए। ये है मम्मी का लगेज, सिर्फ दो सामान है, मैं होती तो एक सूटकेस भी होता है ना मम्मी। और हम पहुंच चुके हैं दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए ये है रेलवे स्टेशन यहाँ का। और अभी हम अपनी ट्रेन देखते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है, तो चलो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मम्मी की ट्रेन को है थोड़ा सा टाइम, तो हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय। मम्मी हम घर से थर्मस में चाय लेकर आए थे, ताकि अगर ट्रेन लेट हो तो चाय यहीं पे बैठ के पिए। और अभी मैंने होटल से समोसे मंगवाए, और मैं अपने लिए केला, क्योंकि मेरा फास्ट है तो मैं केला खाऊंगी, और मम्मी और ये बंटी, सॉरी यूके प्रोडक्शन के मालिक, खाएंगे समोसे मेरे सामने। तुम लोग समोसे खाओगे? शर्म नहीं आती? मेरा उपवास है और आप लोग समोसे खाएंगे? मेरा उपवास हम लोग क्या कर सकते? चलो कोई नहीं, मैं चाय तो पी ही सकती हूँ, गर्म है यार, चाय गर्म है अभी भी। नाइस, ये अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये सेलो का है, सेलो का। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, क्या बोले? किसको मिला था? पता नहीं किसको मिला था, लेकिन हाँ वैसे कुछ कहीं से तो मिला होगा। और यहाँ पर मम्मी की ट्रेन बस आने ही वाली है, और हम लोग अपने बर्थ पर आकर खड़े हो चुके हैं। बस कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेन आने वाली है मम्मी की, और फिर हम सब बैठेंगे ट्रेन में। इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी पटरी पर आने वाली है। तो जो गाड़ी है वो कुछ ही देर पर आने वाली को हॉर्न सुना दिया आपको, देखो आने में मतलब बहुत दूर पर ही है अभी भी फिलहाल, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रही है, कैमरे से मैं नहीं इतना फोकस हो रहा कि आ गई वाली। तो 3 2 अब दिखी 1, देख रहे हो आप लोग, गाड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ये आ गई। यही है मम्मी की गाड़ी, जिस पर मम्मी ये देखो सवार होकर जाने वाली है गुजरात। चलो मम्मी हैप्पी जर्नी, बाय बाय। अच्छे से जाना, हैप्पी जर्नी। अकेले जा रही मम्मी पहली बार, मेरे को भी डर लग रहा है, और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, काम करना पड़ेगा घर का बहुत सारा। आप नहीं रहोगे मैं कैसे जीऊँगी? चलो अब जल्दी से चलते हैं। ये है मम्मी की सीट, मम्मी का हमने सामान रख दिया है। तो मम्मी चलो अब मैं नीचे उतर रही, नहीं ना आप खाना बैठ के, अब हम नीचे उतरते हैं। जल्दी आना, मुझे याद करना, आप फोन करना मेरे को, वीडियो कॉल करना। हमारा सफर यहीं तक है, 10 दिन बाद मिलते हैं अब, बाय। पैकेट बड़े सालों बाद मैं अपनी मम्मी से दूर हो रही हूँ पहली बार, अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी आ जाऊं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। बाय, दुआओं में याद रखना। तो यहाँ पर मम्मी चली गई, और अब हम चलते हैं अपने घर। तो गाइस हम आ चुके हैं मम्मी को छोड़कर अभी घर। तो आज का ब्लॉग था सिर्फ मम्मी को स्टेशन छोड़ने का, और इतना ही ब्लॉग बनाया आज मैंने। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।